नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल नेगी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पारुल नेगी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। हमारी आज की सब्जी दादी लाई लेके आई, ये तोरई और ये भिंडी, नीचे कुछ भिंडी है कुछ तोरी है, ये देख सकते हैं सुंदर सब्जियाँ रखी है हमारी आजकल नीचे। और आज इनके पापा जी भी आ रहे हैं पीयू के। पीयू कैसा लग रहा है? पापा आ रहे हैं। बच्चे भी एक्साइटेड हैं कि मेरे पापा आ रहे हैं, मेरे पापा आ रहे हैं। कल से लगी हुई है कि पापा कब आएंगे, कब पापा कब पहुंचेंगे। तो मैंने बताया कि यार पापा तो अभी कल तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि आज वो मेरठ तक तो पहुंच गए, लेकिन रात मतलब शाम तक वो देहरादून पहुंच जाएंगे। और रात की गाड़ी से वो सुबह के वहाँ से निकलेंगे 12-1 बजे और सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे 5-6 बजे तक। देखो ठीक है, तो देखते हैं कितने बजे तक वो यहाँ पहुँचते हैं। और वैसे वो वीडियो पे तो आएंगे नहीं, मुझे पता है उनको बहुत ही मतलब वो नहीं आते हैं ना ऐसी वीडियो वीडियो में। तो कोशिश पूरी करूँगी कि उनको भी वीडियो मिलाऊँ और बताऊँ आपको कि उनसे भी मिलाऊँ, लेकिन वो मतलब वो आते नहीं है वैसे। उनको पता नहीं क्या है प्रॉब्लम वीडियो में आने का, देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं आते। जब वो आएंगे कल तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी, ठीक है, उनसे मिलाऊंगी मतलब ना। कल तक आ जाएंगे बेटा, बस इसका भी यही है, कल से लगी हुई है, आज चाहिए भाई। कैसे आएंगे, उड़ उड़ के तो आएंगे नहीं ना। तो ये देखो, ये अभी मेरे ससुर जी लेके आए सब्जियों का थैला नीचे से। ये देखो जरा, ये खीरे वगैरह देखो, तो ये हमारे खीरे और सारे के सारे कुछ कुछ है। अरे नहीं तो अभी लाए ना उस दिन में, ये तो सारे पीले हो रखे हैं यहाँ देखो तो। और ये करेले की सब्जी और ये देखो तो, ये सारे पीले हो गए हैं। रायते के काम आते हैं ना, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं इसलिए पीले हो जाते हैं। और ये ला गई मैं पिसा हुआ नमक, हरी मिर्च का, और ये खीरा और ककड़ी मतलब काट के खाते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारी ककड़ियाँ तैयार, ही देख सकते हैं। यार मैं तो बना नहीं सक रहा, कितनी टेस्टी है। मैं घर की ककड़ी का ना स्वाद ही कुछ अलग है, स्वाद ही कुछ अलग है, सही बोला। सब्जी भी गलाई थी ना, तो इसमें सब्जी भी लगी हुई होगी, पर कोई बात नहीं। और आज बनेगी मेरे कद्दू के पत्तों की कापली, है ना। ये मैंने कद्दू के पत्ते लाए और कुछ उनमें फूल भी है कद्दू के। ये गरम गरम मैंने पहले इसमें प्रेशर में 2-3 सीटी बजाई, सीटी के बाद ये गल गए। और जब ये गल गए तो इनको थोड़ा बारीक कर लेते हैं। और इसके बाद मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, सरसों का तेल। ये मैंने ये बारीक कर दिया है, मतलब ये थोड़ा कम उबाल में कम थोड़ा गल रखा था ना, उबाला जब मैंने इसको सीटी बजा के, तो ये कम ही उबाल रखा था। तो मैंने इसको सिलबट्टे में पीसा और पीस के इसको प्लेट में रख दिया, तो ये बारीक हो गया है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो इसमें डालूंगी अब जखिया लहसुन का तड़का, और उसको भुनने के बाद लास्ट में डाल दूंगी। और इसमें मैंने चावल के लिए पानी रखा है, क्योंकि मैंने इस प्रेशर में इसमें चावल भी चढ़ाऊंगी, घर के चावल मतलब ना। Hold me close till I get up, time is barely on our side. बीच में इसको ना ऐसे घुमाते रहना है, नहीं तो ना चावल नीचे चिपक जाते हैं, घर के चावल है ना ये, तो ये नीचे मुलायम होते तो चिपक जाते हैं नीचे, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा घुमाना भी पड़ता है। और जब तक ये थोड़ा और गाढ़ा नहीं हुआ तब काफी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, तब जाके ये समझो मांड निकल रहा है इसका, तब जाके हम इसको सब्जी में डालेंगे ना। तो अभी मेरी सब्जी भी थोड़ा हल्की हल्की कच्ची थी, पक रही है वैसे,
और बीचों बीच एंट्री हो गई है बुलबुल रानी की। हेलो बुलबुल, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। हेलो बुलबुल, हेलो, थोड़ा इधर देख लो, मम्मा को देख लो, हेलो बोल दो थोड़ा, हेलो। और ये टावल लेके कहाँ जा रही है, ये देखो, ये देखो। अच्छा देखते हैं, ये भी हो ही गया है समझो, इसको भी अब निकाल लेते हैं करछी से। मुझे भी पहले नहीं आता था ये निकालना, मांडे निकालना ना, तो मेरी जो दादी है ना, यहाँ वाली दादी मतलब मेरे हस्बैंड की दादी है, जो उन्होंने सिखाया कि ऐसे लगाना है करछी को और ऊपर ही ऊपर से मांड निकालना है और जो चावल है उसको फिर से यहाँ डाल देना है और फिर ऐसे करना है और जो मांड है उसको ऐसे करना है और जो चावल जो छूट रहे हैं हल्के फुल्के, कुछ कुछ चावल तो चले भी जाते हैं पर कोई बात नहीं। और वैसे आप सोचते होंगे ये हमेशा हमेशा हरी सब्जी के बारे में बताती रहती है, पर मतलब मेरा सबसे फेवरेट है हरी सब्जी कापली, और हरी सब्जी की मतलब वो जो रोटी के साथ भी खाते हैं हरी सब्जी, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है हरी सब्जी कापली भी। और जो मैंने सबसे ज़्यादा तो मुझे वही पसंद है, क्या बोलते हैं उसको, करकुल्ले मतलब कद्दू के पत्तों की हरी सब्जी सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे, वो बहुत टेस्टी होते हैं ना, वो खुशबू ही अलग आती है उनकी, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। दादी आज भी बनाया था मैंने दिन सुबह के टाइम पे नाश्ते में, तो दादी बोल रही थी कि ये सब्जी मतलब हमने नहीं खा रखी कि यहाँ हमने कभी नहीं बनाई की, क्योंकि यहाँ नहीं बनाते कि ये वाली सब्जी, कोई नहीं बनाता कि यहाँ सीधे यही बनाते कापली बनाते हैं कि कद्दू के पत्तों की, तो उनको भी बहुत पसंद आई, बोल रहे थे बहुत अच्छी हो रही थी, टेस्टी हो रही थी, अच्छी अच्छी लग रही थी मुझे ये, उनका चलो बहुत अच्छा है, दो बार बना ली मैंने वो, मन तो बोलता डेली बनाओ पर कहाँ से लाए इतने सारे कद्दू के पत्ते, क्योंकि उनके लिए कद्दू मुलायम मुलायम पत्ते चाहिए ना, मुलायम मुलायम पत्ते हमेशा हमेशा नहीं मिलते भाई, वो भी मैं पता क्या करूँगी, देख सकते हैं आप कैसी लग रही है आपको कमेंट में बताना, और टेस्ट करना हो तो हमारे घर आना, मैं खिलाऊंगी आपको फिर, और बहुत देखने में तो बहुत टेस्टी दिख रही है, देख सकते हैं आप, खाएंगे आप और देर बाद, ठीक है। बन चुकी है मेरी कापली और भात, गरम गरम है बिल्कुल, हाथ भी जल रहे हैं नीचे से तो पकड़ने में, ये देख सकते हैं लग रही ना। और अभी हो रहे सुबह के 5:30, और ये देख सकते हैं सिर्फ एक तारा दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, पर 5:30 बजे कहीं भी तारा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है एक, और वो भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तेज रोशनी में। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह क्यों उठी, तो मैं उठी हूँ इसलिए क्योंकि बुलबुल के पापा भी पहुँचने वाले हैं, नीचे तो पहुँच गए हैं, हाँ अब इसके दादाजी उन्हें लेने जाएंगे और फिर वो घर आएंगे, इसलिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। और मेरी चाय वगैरह भी बन रही है, इसमें मैंने पीयू के लिए आलू रखे हैं पराठे बनाने के लिए, और ये अभी निकल चुके हैं उनको लेने के लिए कार लेके, अभी 5:30 बजे भी अंधेरा ही रहता है, देख सकते हैं हल्का उजाला हो रखा है, मतलब ना सकते हैं काफ़ी सुबह हो गई है, उजाला हो गया है, मतलब सुबह तो सुबह हो गई पर उजाला हो गया है काफ़ी। दादाजी चले गए लेने, जल्दी पियो दूध, हाँ पापा को लेने, ये तो सो रखी है मजे से और ये उठ चुकी है, इसका स्कूल भी आज जल्दी है ना, और ये पहुंच चुके हैं हमारे पोजीशन दादाजी, ये करके पहुंच चुके हैं, बोल रहे वीडियो मत बना मेरी पर मैं बनाऊंगी,
ये इनका सामान, इतना सा सामान, मैंने तो सोचा कि बड़ा बैग होगा, कहाँ है बैग? इसको देखो, ये देखो, ये देख सकते हैं बुलबुल के पड़ गए मजे, ये देखो क्या है ये बुलबुल, क्या है ये? छुना, क्या है मम्मा? क्या है वो? ये तो पापा की तरफ से बुलबुल के लिए कितनी ढेरों सारी चॉकलेटें और ढेरों सारे टॉफीज, मजे पड़ गए पीयू बुलबुल के। पीयू तो स्कूल चली गई, अकेले में बुलबुल के मजे पड़ गए। अब सारा बुलबुल बोल रही मैं खाऊंगी। और ये आ चुके हैं मेरे लिए भी गिफ्ट, ये देख सकते हैं माइक, मेरा माइक हस्बैंड जी ने ला दिया मेरे लिए गिफ्ट बर्थडे का। और ये स्टिक है ना, थैंक यू। और बस अभी दिन में 11 बज रहे हैं, अभी खाना पीना भी अभी टाइम नहीं हुआ बनाने का, तो खाना पीना बनाऊंगी। और हाय बोल दे सबको, जरा सबको हाय बोल दो। हाय फ्रेंड, हाय हाय। बुलबुल भी खुश हो रखी है कि उसके पापा आ रखे हैं। शुरू में तो नहीं पहचान रही थी, लेकिन अब पूरा पूरा पहचानने लगे अपने पापा को। अब वो खेलने भी लग गई पापा के साथ। और ये श्रीमान जी चले गए हैं ककड़ी के लिए, आते ही निकाल दी उन्होंने ककड़ी। और ये रही हमारी ककड़ियाँ, ये देख सकते हैं। क्या हुआ, मिर्च लग गई? अच्छा हुआ, और का नमक के साथ मिर्च खुद डाल दी, खुद डाल रही अपने ककड़ी में मिर्ची, नमक नमक डालने वाली बनी बनी हुई थी। अच्छा हुआ। यहाँ पे बैठे हैं ये हमारे यहाँ जी है, हमारे यही हमारे मिस्त्री जी है ना। हाँ, इन्होंने ये वाला मकान हमारा बनाया, ये पुराना वाला मकान बताते हैं, ये वाला मकान इन्होंने ही बनाया। जब ये जवान रहे होंगे ना तो बताते हैं कि हमने ये वाला मकान आपका, हमने चिनाई की है इस मकान की, पत्थर मतलब इन्होंने ही चिने यहाँ के पत्थर। यहाँ पे बैठे हैं, इनका घर इधर की तरफ है, इधर है इनका घर उधर की तरफ। और अभी आए हैं तो मैंने ककड़ी दी उनको खाने के लिए, तो बैठे हैं अभी खा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं, तो ससुर जी तो पीछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कल की वीडियो को मैंने इसी के साथ वो कर रखा ना, ऐड कर रखा है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और सोच रही हूँ कि वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और तो आज का वीडियो मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई सवेरे के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।